देसी फूड का पावा ते डॉक्टर अफान लावा। ये आज वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार ये बंदा, ये अजीम शख्स एक समोसे वाली वीडियो बनाकर वायरल हो गया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये बंदा पिछले 12-13 सालों से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, आप लोगों की ज़िंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कामयाबी किसी को भी रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, नींदों को हराम करना पड़ता है, कई ख्वाहिशात को मारना पड़ता है, फिर जाकर आप लोगों को कामयाबी मिलती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप हज़ारों सपने लेकर सोएं कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, और जब आप सुबह उठें तो आपके सामने हर एक चीज़ पड़ी हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को दिन रात एक करना पड़ेगा, नींदें हराम करना पड़ेगी और कई ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा, फिर ही जाकर आप लोग कामयाब होंगे। बहुत से लोग कह रहे थे कि यार ये बंदा एक समोसे वाली वीडियो बनाकर वायरल हो गया है, तो उन्हें मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, शायद आप लोगों को ये नहीं पता कि ये बंदा पिछले 12-13 सालों से आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, शायद आप लोगों को ये नहीं पता कि आज ये बंदा इस मुकाम पर पहुंचा है तो इसके पीछे इसने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की है, कितनी ज़्यादा मेहनत की है। शायद आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये बंदा कौन है। मेरे ख्याल से ये बंदा आप लोगों के लिए फरिश्ता बनकर आया है। ये फरिश्ता सिर्फ इंसान हो सकता है कि आप लोगों के लिए आने वाले वक्त में जीने की वजह बन जाए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को नहीं पता कि ये बंदा आप लोगों को बचाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कितनी ज़्यादा एफर्ट कर रहा है। ये बंदा पिछले कई सालों से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर तो आप इनकी बातों को समझ जाएंगे तो इसमें फ़ायदा आपका है, और अगर आप लोग इनकी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे, नहीं समझेंगे, तो नुकसान भी आपका होगा, किसी का कुछ नहीं जाना। मेरी भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सकता है अपना ख्याल रखें और डॉक्टर अफान की बातों पर अमल करें। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि बहुत से लोग कह रहे थे कि यार इस बंदे ने एक वीडियो बनाई है और ये वायरल हो गया, और वो बंदे इन्हें क्या खिताब दे रहे थे कि देसी फूड का पावा ते डॉक्टर अफान लावा। और सबसे पहले की बात बताऊं कि डॉक्टर अफान ने उनकी बातों का गुस्सा बिल्कुल भी नहीं किया, उनकी बातों का माइंड बिल्कुल भी नहीं किया, और वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग समझते हैं कि मैं देसी फूड का पावा तो मैनू जिवें मर्जी कहो तुसी, वो इस बात से एग्री करते हैं, खुश हैं वो इस बात से। आप लोगों से आखिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके अपना ख्याल रखें और डॉक्टर अफान की बातों पर अमल करें, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत जल्द आपको मिलेगा और इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों की ज़िंदगी, आप लोगों की जान आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी करना है, ताकि ये वीडियो डॉक्टर अफान तक पहुंच सके और कई लोगों को पता चल सके कि डॉक्टर अफान कौन है और वो कब से आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।